नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। बात करेंगे कांग्रेस के चिंतन की। जी हां, पंचकुला में हरियाणा कांग्रेस की तरफ से चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है और आपको बता दें कि यह चिंतन शिविर लगातार जारी है। अलग अलग आपको बता दें प्रस्ताव आज इस चिंतन शिविर में रखे जा रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात की जाए, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत कई बड़े नेता हैं जो यहां पर मौजूद हैं। मोनी रोड पर गोल्डन ट्यूलिप होटल में यह चिंतन शिविर चल रहा है। बड़ी बात यह है कि प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को इस चिंतन शिविर में न्योता नहीं दिया गया है और साथ ही आपको बता दें कि बागी कुलदीप बिश्नोई भी इस चिंतन शिविर में नहीं बुलाए गए हैं। अलग अलग मुद्दों की अगर बात करें, अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर की प्रस्ताव रखा जा रहा है पार्टी के नेताओं की तरफ से। तो बड़ी खबर यह पंचकुला से, शाम 5 बजे तक आपको बता दें कि यह चिंतन शिविर चलेगा और इस चिंतन शिविर के जरिए कई मुद्दों पर अलग अलग प्रस्ताव रखे जाएंगे। सरकार को घेरने की तैयारी बनाई जाएगी और साथ ही संगठन को मजबूत करने को लेकर विचार विमर्श होगा। हालांकि अब तक की अगर बात करें तो प्रस्ताव रखे जा रहे हैं। खुद रघुवीर सिंह कादयान की अगर बात की जाए तो उन्होंने कृषि मामलों पर प्रस्ताव रखा है और अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि हरियाणा का किसान और आम जनता अब बदलाव चाहती है और साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल को याद कर रही है। ये बात रघुवीर सिंह कादयान की तरफ से कही गई है। अगर अलग अलग प्रस्तावों की बात की जाए तो कृषि का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी हो गई, युवा, महंगाई, दलितों, पिछड़ों और महिलाओं पर अत्याचार, बढ़ते अपराध और प्रदेश की जर्जर आर्थिक हालात समेत कई मुद्दों पर आज इसमें प्रस्ताव रखे जा रहे हैं। तो पंचकुला से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यह चिंतन शिविर लगातार चल रहा है, शाम 5 बजे तक यह चलेगा और आपको बता दें कि विवेक बंसल जो कि हरियाणा कांग्रेस प्रभारी हैं उनको न्योता नहीं दिया गया। चलिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि जो चिंतन शिविर है उससे पहले अगर बात करें तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का यह बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को ना बुलाने पर उदय भान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विवेक बंसल को ना बुलाने पर आलाकमान को कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस 20 अगस्त तक हरियाणा में अपना संगठन भी बना लेगी। लंबे समय से इस संगठन को लेकर बातचीत चल रही थी और उदय भान की अगर बात की जाए जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बात कही। अशोक अरोड़ा ने भी राजनीतिक प्रस्ताव पास किया है और जैसा कि हम लगातार बता रहे थे रघुवीर कादयान ने कृषि मामलों पर प्रस्ताव रखा है और रघुवीर कादयान का कहना है कि हरियाणा का किसान और आम जनता अब बदलाव चाहती है और साथ ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल को याद कर रहे हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात उदय भान की तरफ से सामने आई है। हरियाणा कांग्रेस की अगर बात की जाए अध्यक्ष उदय भान ने कहा है कि विवेक बंसल को इस शिविर में ना बुलाने पर आलाकमान को कोई आपत्ति नहीं है। रवि कालीडम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। रवि, अगर बात की जाए विवेक बंसल को लेकर उदय भान का जो बयान सामने आया है उसके क्या मायने निकाले जाए, आलाकमान को कोई आपत्ति नहीं? बिल्कुल विनय, देखिए जिस प्रकार से उदय भान का यह बयान सामने आया है कि आलाकमान को इस प्रकार उदय प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी विवेक बंसल को माफ कीजिएगा प्रभारी विवेक बंसल को बुलाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। शीर्ष कमान की तरफ से ये उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रभारी विवेक बंसल को जो है चिंतन शिविर में बुलाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जरूर जहन में आती है विनय, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से लेटर जारी किया गया था, लेटर में एआईसीसी का जिक्र किया गया था, एआईसीसी का जिक्र किया गया था, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रभारी विवेक बंसल को जो लेटर जाता है वो एआईसीसी की तरफ से ही जाता है। तो ऐसे में एआईसीसी का तो जिक्र किया गया था लेकिन प्रभारी विवेक बंसल का नाम उसमें नहीं था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए फिलहाल की तो फिलहाल इस प्रकार का जो बयान आना है वो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की तरफ इशारा करता है कि इस प्रकार का जो है वो जो लगातार जिस प्रकार से मीडिया में सुर्खियां चल रही हैं कि प्रभारी विवेक बंसल को ना बुलाना आपसी फूट को दर्शाता है, राज्यसभा चुनाव से जोड़कर इस तमाम जो मुद्दे को देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं इस डैमेज कंट्रोल का ये एक पार्ट नजर आता है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई तो लगातार बागी थे ही प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के बनाए जाने के बाद से, तो उनको इसलिए नहीं बुलाया गया।
हालांकि प्रभारी विवेक बंसल पर सवाल इसलिए उठाए गए क्योंकि अजय माकन ने सवाल उठाए, इसके साथ साथ कुलदीप वत्स जो विधायक हैं, बादली से विधायक हैं, उनके द्वारा भी प्रभारी विवेक बंसल की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। तो इसके साथ साथ कई ऐसे विधायक और हैं जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी विनय, कि ऐसे कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने विवेक बंसल को ना बुलाने की पैरवी की थी, तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं यहाँ नजर आता है और उसी का डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार का जो बयान है वो देखने को मिलता है। रही बात अब तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, तब वो अपने अपने प्रस्ताव जो है इस चिंतन शिविर में रख रहे हैं। पहले अगर बात की जाए तो रघुभाई कादियान से बहुत उनके बड़े पूर्व मतलब सबसे बड़े विधायक उम्र दराज विधायक जो हैं वो हैं, उनकी तरफ से कृषि को लेकर जो है अपना प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने 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 कहा कि 1600 करोड़ रुपए का जो बिजली बिल थे वो हुड्डा सरकार में माफ किए, इस प्रकार की तमाम जो बातें हैं वो हुड्डा सरकार से कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। अगर वो कह रहे हैं कि इसके साथ साथ जीरी का जिक्र किया उन्होंने, जीरी भी 5000 से ज्यादा का जो भाव था, और इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो गारंटी है एमएसपी की गारंटी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो गारंटी है वो सरकार को देनी चाहिए, इसके साथ साथ जो C2 फॉर्मूला है जो स्वामीनाथन आयोग का उस पे जो सरकार को ध्यान देना चाहिए वो लागू करना चाहिए, इस प्रकार की जो बातें हैं उनके द्वारा की गई। इसके अलावा जो विधायक राव दान सिंह है, पूर्व CPS है, उनकी तरफ से भी एक प्रस्ताव रखा गया, उन्होंने आर्थिक मामलों को लेकर प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का जो कर्ज है वो 3,24,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया, तो ऐसे में हम जब सरकार में थे, सत्ता में थे, तो मात्र 60 से 70 हजार करोड़ का कर्ज था, तो कहीं ना कहीं ये इस प्रकार की जो बातें हैं वो इस पूरे चिंतन शिविर में की जा रही हैं। और बिल्कुल बेरोजगारी को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है कि 30.6% के आसपास जो है बेरोजगारी दर पहुंच गई है, तो ये कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के और तमाम भी अलग अलग प्रस्ताव रखे जा रहे हैं जो आने वाले नेता हैं, इसके बारे में तो हम विस्तार से बात करेंगे ही। लेकिन आज इस चिंतन शिविर की अगर बात की जाए तो इसमें चर्चा का विषय बन जाता है प्रदेश प्रभारी को ना बुलाना, विवेक बंसल को ना बुलाना, और इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और साथ ही सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से, सर आपका भी स्वागत है। बजरंग दास जी आपके पास ही आना चाहूंगा, सबसे पहले विवेक बंसल जी को नहीं बुलाया गया, प्रदेश के प्रभारी को क्या कहेंगे? हेलो जी, हेलो बजरंग दास जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ मेरी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे रिएक्शन चाह रहा था, सबसे पहले एक ओपनिंग रिएक्शन ये कि आखिरकार विवेक बंसल जी को नहीं बुलाया गया, और उस पर उदयवान जी ने कहीं ना कहीं बयान भी दिया है कि आलाकमान को भी आपत्ति नहीं है। विवेक जी, विनय जी, जहाँ चिंतन शिविर का सवाल है जो आज लगाया गया है, उस मीटिंग चिंतन शिविर के लिए जी जी उदयवान जी विवेक बंसल जी के पास गए थे, उनसे विचार विमर्श करके ही ये तारीख रखी गई है जी। और उन्होंने खुद हमारे परिवारी ने बताया भी है, मेरे पास उदयवान जी आए थे जी। और बातचीत करके विचार विमर्श करके ये कार्रवाई रखी गई है। चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है? कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है, कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं जन जन तक पहुंचाना, इस आज रखे गए हैं। मुख्य एजेंडा क्या है? एक जनसंपर्क अभियान पूरे हरियाणा में चलाएंगे, और जहां 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर पद यात्रा, उसके अंदर 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में पद यात्रा शुरू की जाएगी, और पूरे प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति के साथ घर घर के अंदर संपर्क करने के जो 3-4 एजेंडे हैं और उसके ऊपर आज फोकस रखा गया है। चौथी बात यह है, जहां महंगाई, बेरोजगारी, खराब कानून व्यवस्था का इसके अंदर एजेंडा रखा गया है, और पांचवी बात जो मेन बात है, जो कृषि का मामला है, जो 3 कृषि कानून का मामला आया था, या किसान को फसल के उचित दाम ना मिले, नहीं मिल रहे, उन सभी मुद्दे को टच आज किया जाएगा, और आखिरी अंतिम फैसला वो 4 बजे ये लिया जाएगा भी हमने कि कैसे कैसे सबकी विचार विमर्श करने के बाद, सबकी बातें सुनने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा, जिसमें खास तौर पे ये जरूर फैसला लिया जाएगा विपक्ष आपके दरबार कार्यक्रम का। और जहां तक पद यात्रा 90 के
के 90 विधानसभा में पद यात्रा का और तीसरा जन जागरण अभियान का फैसला और चौथा ये होगा हर व्यक्ति के घर घर में जाके कांग्रेस अपने जो भी अपनी एजेंडा है ये तो बहुत सुखद बात है। ये वाकई में बजरंग दास जी बहुत सुखद बात है कि आप एक्टिव नजर आ रहे हैं, विपक्ष पहले से और ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है और ये अच्छी बात है, विपक्ष का एक्टिव होना जरूरी हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर खुद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी कहते हैं कि आलाकमान को कोई आपत्ति नहीं, पहले आप कहते हैं कि आपस में विचार विमर्श हुआ, लेकिन अगर एक पार्टी का प्रभारी ही इतने बड़े किसी आयोजन पर इतने बड़े कार्यक्रम पर पार्टी के वहां नहीं पहुंचेगा तो आप क्या संदेश दे रहे हैं? आपकी बात थोड़ा फर्क आ गया बात में। मैं जो लेटर कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाला गया जी, उसका जी, पैरा नंबर 4 ये आप देख सकते हो मेरे मोबाइल पे, ये मैं दिखा रहा हूँ पैरा नंबर 4, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारे पदाधिकारी AICC के मेंबर है, महामंत्री है, जो प्रभारी है, जो सचिव है, वो इसके अंदर इसके सबको ये एक निमंत्रण दिया गया, लेटर गया हुआ है, वो 4 नंबर कोरम के अंदर, जिसके अंदर प्रदेश प्रवक्ता भी है, पूर्व विधायक भी है, पूर्व मंत्री भी है, जो सबको उसका एक लेटर नंबर 4 में मैं दिखा रहा हूँ आपको, 4 नंबर कोरम के अंदर है। मगर उन्होंने विवेक बंसल ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे नहीं बुलाया गया, विवेक बंसल ने कहा मेरे से राय लेके बात हुआ है, मेरा जाना ना जाना जी कोई जरूरी नहीं है, स्टेट की मीटिंग है, ये स्टेट अपने स्तर पे करता है, सभी को बुलाता है और सभी को बुलाया, यहाँ तक कि AICC के अंदर जितने भी महामंत्री है और सेक्रेटरी है उनको भी लेटर गया है, उनका प्रतिनिधि कोई आए, और जहाँ तक कि हमारे जो प्रभारी विवेक जी है वो राष्ट्रीय सचिव भी है, आपको बताना चाहता हूँ, पहले भी 2005 में भी हमारे उप ये प्रभारी रहे हैं हरियाणा के और सम्मानित है और सम्मानित व्यक्ति रहेंगे और हमारा किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। चलिए इस पर तो मैं आऊंगा, इस पर आऊंगा मैं आपके साथ। एक बात और भी कही थी साथ, आप देख लो आपके चैनल ने दिखाया था, उन्होंने कहा विवेक बंसल जी आएंगे तो स्वागत है, विवेक बंसल तो हम सर्वो है, इसमें रोड़ा ही नहीं है, पर ये नहीं कोई जरूरी आना है ना आना, वो उनकी मर्जी पर उनको टाइम हुआ तो आएगा तो उनका स्वागत है। ये बात भी आपके हरियाणा न्यूज चैनल में मैंने खुद सुनी है, उदय भान जी का बयान भी सुना है, विवेक जी का भी मैंने बयान सुना। चलिए चलिए आता हूँ मैं आपके पास। सत्यव्रत शास्त्री जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, उनके पास भी चलते हैं। सर किस तरह से देखा जाए, ये अच्छी बात है कि चलिए एक बार फिर से थोड़ा एक्टिव नजर आ रहा है, और खुद अगर बात की जाए तो आपकी ही सरकार के मंत्री भी कहते हैं कि बेहतर है कि जन जागरण से जुड़े हुए आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाए, ना कि हो हल्ला किया जाए किसी तरह का, वो बेहतर है। तो अब इस चिंतन शिविर को आप किस तरह से देखते हैं, और क्योंकि तैयारी तो पूरी होगी, आने वाले 2024 तक के रोड प्लान को पूरी तरह से तैयार करने की बात कही जा रही कांग्रेस की। देखिए ये जो है गर्ग साहब भाषण दे रहे थे, ये टोटली चीज जो है बनावटी बात है, और अपनी पार्टी को डिफेंड करने का एक अच्छा सा रटा रटाया भाषण ये लेके आए थे जी। भैया इस देश के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन सबका अपना अपना एक प्रोटोकॉल होता है, गर्ग साहब नहीं बता पाए कि प्रोटोकॉल के तहत किसी भी स्टेट के किसी भी स्टेट लेवल के कार्यक्रम में प्रभारी की भूमिका कहीं नगण्य हो सकती है क्या, शून्य हो सकती है क्या, और यदि ऐसा होना शुरू कर दिया तो ये कांग्रेस कहे कि हमने नई परंपरा शुरू किया। अभी तक तो देश के किसी पार्टी ने भी किसी संगठन ने भी प्रभारी की भूमिकाओं को कहीं भी शून्य नहीं रखा, बिल्कुल, लेकिन हरियाणा में प्रभावी ही प्रभारी है ये फार्मूला लागू किया है, उन्होंने प्रभावी जो है हुड्डा साहब को बनाया है और वो प्रभावी जो है वही प्रभारी की भूमिका अदा करेंगे ऐसा दिखा दिया, और इस बात से ये सिद्ध कर दिया कि हरियाणा कांग्रेस के लिए केंद्र की सरकार, केंद्र की जो कांग्रेस है उसका नेतृत्व कोई मायने नहीं रखता, वैसे भी वो कमजोर हो चुका, उसकी किसी स्टेट में कई सरकारें नहीं है, कोई उनकी मानता नहीं है, और छोटे छोटे जो राज्यों के अंदर जो नेता थे वो अपनी चीटिंग से हेरा फेरी से जैसे तैसे उनके ऊपर प्रेशर बनाने में कामयाब हो जाता है, वो आगे हो जाते हैं, इसीलिए यही एक उदाहरण हरियाणा कांग्रेस ने दिया है कि केंद्र का नुमाइंदा होता है प्रभारी,
जो वहां के सब स्थिति को कंट्रोल करता है और सब ग्रुप्स के बीच तालमेल बैठाकर कार्यक्रमों का आयोजन करता है। बिल्कुल। अब बताइए, जब संयोजन करने वाला केंद्र का प्रभारी ही आपसी उनका तालमेल बैठाने वाला नहीं होगा तो एक ही होंगे, बाकी कोई होगा नहीं वहां, क्योंकि आप जिस प्रकार से हुड्डा साहब ने अपने चेहरे को अध्यक्ष बनाया, कुलदीप बिश्नोई अलग चले गए और सुरजेवाला को राजस्थान भेज दिया और शैलजा जी कहीं काउंटिंग में नहीं है, ले लेके एक थोड़ा सा ग्रुप बनता है किरण चौधरी जी का, वो किरण चौधरी जी को भी जल्दी ही ये यथास्थान पहुंचा देंगे तो फिर बचेगा कौन? जी, एक ही बच्चे का वही प्रभारी है, वही प्रभारी है। हाँ। इसलिए केंद्र की कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व का परिणाम है कि उनके नुमाइंदे को भी यहाँ किसी प्रकार। बरिंदा जी, क्या कहेंगे आप जिस तरह से बता रहे थे या उदयवान जी का जिस तरह से बयान आया, कोशिश ये की गई है कि इस चीज को, इस डैमेज कंट्रोल को किया जाए, लेकिन यहाँ तो अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपको ही घेरने का मुद्दा मिल चुका है। देखिए जी, कांग्रेस पार्टी नहीं गिरेगी, गिर रहा है तो सरकार गिर रही है, सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और पब्लिक में जाने के लिए कुछ नहीं है। आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आज देश और प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। गरीब आदमी दो वक्त की रोटी दाल सब्जी के साथ खा नहीं सकता, ऐसी स्थिति है। और यहाँ तक इस सरकार ने क्या किया, जितनी भी खाद्य वस्तु हैं, जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक आप इतिहास देखोगे, कपड़े पर, चीनी पर, खेती में उपयोग आई दवाइयों पर, खाद पर, यहाँ तक कि दूध पर, दही पर, लस्सी पर कभी टैक्स लगा था क्या? इन्होंने बिल्कुल नहीं बख्शा, इन्होंने रगड़ दिया। और ये बात करते दूसरी, और हम बात करते मुद्दे की, आम जनता की बात उठाते हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है। इस सरकार ने वायदा किया था, मोदी जी ने वायदा किया था, हमारी सरकार आने पर हर साल 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। 2 करोड़ लोगों रोजगार तो नहीं दिया, उनका रोजगार छीन लिया। आज हरियाणा की स्थिति देखिए, लाइन ऑर्डर की स्थिति, जिस रात के अंदर पुलिस के उच्च अधिकारी सुरक्षित नहीं है, उच्च अधिकारियों ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। और यहाँ तक कि कांग्रेस की बात नहीं, कांग्रेस भी है और भाजपा के उन विधायकों को टेलीफोन के ऊपर रोटी मांगी जाती है। आज इस राज्य में पुलिस सुरक्षित नहीं, ये मुद्दे तो आपको उठाने ही है जी। बहुत अच्छी बात है क्योंकि यही तो चाहते हैं कि आम जनता से जुड़े हुए ये मुद्दे उठे हैं और आप लोगों को एक्टिव तरीके से उठाने भी पड़ेंगे। इस चिंतन शिविर का अगर आपका मकसद ये है तो अच्छी बात है। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वहीं मौजूद हैं और लगातार इस चिंतन शिविर का जो भी अपडेट है हम लगातार दे रहे हैं हमें। तो रवि, क्या कहा जाए, जिस तरह से उदयवान जी का बयान सामने आया है, हालांकि विवेक बंसल का अगर बात की जाए आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में ऐसी स्थिति में कांग्रेस है, कहीं लेटर जारी किया जाता है, किसी को बुलाया जाता है, किसी को मना किया जाता है या फिर किसी के नाम पर सहमति नहीं बनती। ये खुद कांग्रेस के लोगों को नहीं पता। पहली बात मैं बजरंग दास जी से मैं पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि प्रभारी विवेक बंसल से उदयभान जी मिलके आए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो प्रवक्ताओं की लिस्ट है, प्रवक्ताओं के 18 प्रवक्ताओं को जो इस जो चिंतन शिविर है, तमाम जो प्रवक्ता है उनको बुलाया गया है, क्या बजरंग दास जी आपको बुलाया गया है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल रवि भाई, बुलाया भी गया है और यहाँ तक कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुलाया गया है तो बजरंग दास जी बुलाया गया है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक लिस्ट पढ़कर सुनाता हूँ, एक बार देख लीजिएगा। वो सूची वही सूची है जो आधारिक रूप पर कांग्रेस ने जारी की थी, एक बार आप देख लेना, उसमें आपका कहीं नाम मिलता है। तरुण तेवती आते हैं, दिव्यांशु बुद्धि राजा, मनीषा सांगवान, रविंद्र ढोल, वेद प्रकाश विद्रोही, मनीषा खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा फोन भी आया, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके टीवी के ऊपर। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं भी वही बात कर रहा हूँ सर। सर एक मिनट सर, मैं वही बात कर रहा हूँ, आपके लेटर में कुछ और होता है, आपकी मुंह जबानी कुछ और होता है, ये बात हो रही है, बुलाते किसी को आता कोई और है, तो ये असमंजस की स्थिति क्या है? देखिए, जो
दिखता है वो ही होता है। जहाँ बात सीधी है इफ उसको तोड़ मोड़ के मैं कुछ भी कह दू वो अलग बात है। रवि भाई आपका सवाल बड़ा जायज है। जहाँ तक स्थिति है सीवरेज के अंदर क्या है, पार्टी को मजबूत करने की बात होती है। आपने देखा कुछ साथी रह गए थे उसके बाद भी एक लिस्ट और जारी हुई है। ये क्या होता है, लिस्टे पर लिस्टे जारी होती है। ऑफिशियली बात जहाँ है जब उस लेटर के अंदर लिखा है प्रवक्ता, तो प्रवक्ता आगे जो सीनियर प्रवक्ता के अंदर जब हम है उसमें कहने की जरूरत नहीं है। मेरी बात नहीं, कोई नहीं, भी बजरंग दास जी बहुत सही बात कह रहे हो आप, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन वही बात जो रवि ने जो बात उठाई वो उठ जाती है। उदयवान जी मैं आपको नहीं बता दूं, उदयवान जी ने बल्कि कभी प्रोटोकॉल में नहीं होता कि सीएलपी नेता फोन करे या प्रदेशाध्यक्ष करे। पार्टी का हेड ऑफिस हमारा चंडीगढ़ में है, वहाँ पे आदमी नुक किए हुए हैं। वो लेटर जारी किया जाता है ना सर, है जी ऐसे मैं यही कहना चाहता हूँ। लेटर तो जारी किया जाता है, लेटर में नाम तो होना चाहिए। ऑफिस सूचना जो मैं कह रहा हूँ, लेटर तो मैं आपको बता दिया, लेटर की कॉपी मेरे पास मैंने दिखा दी। चलिए चलिए आता हूँ मैं इस पर बजरंग दास जी, रवि मैं आऊंगा आपके पास क्योंकि आप लगातार अपडेट दे रहे हैं और क्योंकि सतव्रत जी भी बैठे हैं, उनका भी रिएक्शन लेना है मुझे। लेकिन जो शिविर के अंदर क्या चल रहा है मैं आता हूँ आपके पास, बजरंग दास जी आता हूँ आपके पास। एक शिविर के अंदर अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है उससे जुड़े लगातार अपडेट भी हमारे पास आ रहे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको अपडेट्स को भी आम जनता तक पहुंचाएं कि क्या कुछ चल रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर एक बाइट आपको सुनाते हैं। आज इस चिंतन शिविर में मुझे जिस प्रस्ताव के लिए यहाँ पर चर्चा करने के लिए समय दिया है, सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा विषय है समाज कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं महिला सशक्तिकरण, इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। हम लोग स्कॉलरशिप देते थे, इस सरकार ने उस पर जो है इनकम स्लैब लगाकर बच्चों को अधिकार से वंचित करने का जो काम किया है आप सब जानते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाला जो है हुआ, कैड ने भी इसको चिन्हित किया। हम लोग चाहते हैं ये प्रस्ताव में आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के हर पैमाने पर पिछड़ती अर्थव्यवस्था का गहन संज्ञान लेती है। प्रदेश की मौजूदा सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण, सरकार के इंस्पेक्टरी हस्तक्षेप के कारण, प्रदेश में बढ़ते अपराध व भ्रष्टाचार के कारण, औद्योगिक मूलभूत ढांचे के अभाव के कारण, सरकार की नियत और नीतियों में अविश्वास व अस्थिरता के कारण हरियाणा में आर्थिक विकास और औद्योगिक विस्तार रुक गया है, उद्योग पलायन कर रहा है, राजस्व में। ठीक है, तो गीता बुक्कल को आप सुन रहे थे और लगातार हम बात कर रहे हैं इसी मुद्दे पर कि जो अच्छी बात यह है कि चलिए एक बार फिर से और ज़्यादा एक्टिव तरीके से यहाँ पर विपक्ष की तरफ से आम जनता की बात की जा रही है, मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये है विपक्ष की, अगर बात करें कांग्रेस की हम खासतौर पर आज बात कर रहे हैं, कि हर बार क्योंकि कोई भी मुद्दा उठाना है तो आपको एकजुट होना होगा, लेकिन ना चाहते हुए भी ये जो गुटबाजी है वो उभर कर दिख जाती है। सत्यव्रत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बजरंग दास जी भी बने हुए हैं। सत्यव्रत जी क्या लगता है, क्योंकि एकजुटता जरूरी होती है, लेकिन जो बातें यहाँ पर बजरंग दास जी कह रहे हैं उनसे कितना इत्तेफाक रखा जाए? देखिए छटाक चौन चौबारा ये काल हरियाणा कांग्रेस के ऊपर दिखाई देती है। बजरंग दास जी कितने भी चुपड़ी चुपड़ी और नरम नरम बात करें, बजरंग दास जी की बात में वस्तु स्थिति में कहीं कोई तालमेल नहीं है। आप देखिए जिस कांग्रेस के अंदर तो सत्ता में थी जी। और जिन नेताओं के आधार पर वो कांग्रेस सत्ता में थी उनमें आज कितने लोग कांग्रेस में है, तो कहने को कांग्रेस है, कांग्रेस के तमाम वो नेता जो कांग्रेस के नाम से काम करते थे वो आज कांग्रेस में नहीं है। और ले देंगे एक व्यक्ति प्रभावी और वही प्रभारी, इस भाव को लेकर हुड्डा जी को जो कमान दी है, हुड्डा जी का समय और उसका स्थान सीमित है, वो कितने समय प्रभावी रहेंगे और कितने स्थान पर प्रभावी रहेंगे उससे बाहर कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं होगा। और उसका कारण केवल यह है कि गुटबाजी, और गुटबाजी के अंदर जिनको संभालने की जिम्मेवारी दी जाती है उनको भी गुटबाजी का शिकार बना दिया जाता है। ये हाल आज कांग्रेस का है, इसलिए वहां चिंतन कुछ नहीं हो रहा, चिंतन केवल इस बात का है कि बाकी बचे लोगों को कैसे निपटाया जाए उसके ऊपर चिंतन है।
जो कांग्रेस को मजबूत करने का या कांग्रेस एक विकल्प के रूप में खड़ी होगी वो चर्चा न इनके बस की बात और न उनका विषय है। वो तो केवल अपने विरोधियों को उनके ठिकाने पर पहुंचाने का एक चिंतन शिविर मात्र मैं इसको मान के चलता हूँ। और उसी के तहत आपको शाम तक तमाम वो रिपोर्ट आएंगी जिसके तहत उनके विरोधी लोगों को वो अपने ठिकाने पर पहुंचाने के एजेंडे को पास कर रहे हैं। ठीक है सत्यव्रत जी, समय की कमी है और क्योंकि देखिए आपके अगर बात की जाए तो आप इसको एक प्लस पॉइंट की तरह ले लेते हैं, सकारात्मक तौर पर अपने लेते हैं। राजनीतिक नजरिए से देखा जाए कि कहीं ना कहीं बेहतर करने के लिए विपक्ष की तरफ से कुछ ना कुछ किया जाता है, लेकिन उभर कर बिल्कुल मैं क्योंकि समय की कमी है बजरंग दास जी, अगर आप चाहते हैं तो एक बहुत संक्षेप में जो आप अपनी बात करना चाहते हैं। शास्त्री जी ने कहा कांग्रेस पार्टी बिखार की जो बात कही, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक बड़ी लंबी लाइन, बड़ी लंबी सूची कांग्रेस पार्टी में लोगों की ज्वाइनिंग के लिए लगी हुई है। और यहाँ तक कि एक बता दूं, 16 पूर्व विधायक पूर्व मंत्री इससे पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा धक्का है। आप भविष्य में देखोगे एक महीने के अंदर अंदर आपको सैकड़ों लोग, चलिए ये बेहतर है, अच्छी बात है, हर पार्टी अपना कुनवा बढ़ाना चाहती है और अपना राजनीतिक तौर पर जमीनी स्तर पर और ज्यादा पैर मजबूत करना चाहती है, बेहतर है, अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े और इस चिंतन पर हमने विचार विमर्श किया, क्योंकि अगर इस चिंतन शिविर की बात की जाए तो यहाँ पर बेहतर है कि आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने की बात की जा रही है। आने वाले समय में हरियाणा विधानसभा का सत्र होने जा रहा है, वहां पर भी ये मुद्दे उठाए जाएंगे, बेहतर तरीके से, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक एकजुटता दिखाई नहीं देगी तब तक ये मुद्दे क्या इतने प्रभावी ढंग से उठाए जा सकेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ, नमस्कार।